5 अगस्त रात 12 बजे के बाद एक बहुत ही बड़ी घटना घटने वाली है, ऐसा जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 कॉन्टैक्ट करेगा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ। जिसको लोग समझ रहे थे कि चंद्रयान 2 फेल हो गया, खराब हो गया या फिर वो किसी काम का नहीं है, वो लोग झूठे साबित हुए। और कई सारे लोग सोच रहे थे कि चंद्रयान 2 के बारे में, चंद्रयान 1 के बारे में क्या हुआ, ऐसी अफवाह फैलाई जा रही हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं हमारे चैनल के ऊपर कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बिल्कुल ठीक है, या ये कह रहे हैं कि चंद्रयान 2 बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं इसकी पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखना सारी जानकारी के लिए कि चंद्रयान 2 के कितने पार्ट्स यूज करेगा चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 की कितनी मदद कर पाएगा चंद्रयान 2 और उसका ऑर्बिट। और अगर 23 और 24 अगस्त को विक्रम लैंडर लैंड नहीं कर पाया तो इसरो ने प्लान बी क्या रख रखा है, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखना दोस्तों। दूसरी बात, चंद्रयान 2 फेल नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि 95% ऑफ इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी मौजूद है ऑर्बिटर के अंदर। दोस्तों क्या होता है कि जब किसी भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है या फिर कोई स्पेस मिशन होता है, तो मैक्सिमम जो उसके इक्विपमेंट्स होते हैं वो उसके ऑर्बिटर में, जो कि एज ए सैटेलाइट काम करता है उस ग्रह या उपग्रह या सैटेलाइट, क्योंकि मून खुद एक सैटेलाइट है। अब जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो उस चंद्रमा के चक्कर लगाया जा रहा है, तो उसके अंदर एक इक्विपमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही सिग्नल मेंटेन करेगा उस इक्विपमेंट के साथ या उस मशीन के साथ जो कि चंद्रमा के ऊपर लैंड होगी, वहां से सिग्नल पकड़ के वापस पृथ्वी पे इसरो के स्पेस स्टेशन में भेजा गया, फिर किसी भी देश के, अगर वो किसी और देश का हुआ तो, ये बीच का जो कम्युनिकेशन जो लिंक है वो बनाता है वो सैटेलाइट या फिर वो ऑर्बिटर। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है। अब दोस्तों हमारे पास 2 ऑर्बिटर हो गए, प्रोपल्शन मॉड्यूल का भी यही काम है कि वो चंद्रमा के चक्कर लगाएगा और चंद्रयान 3 की मदद करेगा, यानी कि विक्रम लैंडर जो भी लैंड हो रहा है उसकी मदद करेगा। लेकिन दोस्तों 23 और 24 को अगर नहीं हुआ तो एक संभावना बताई जा रही है, क्योंकि दोस्तों इसरो कोई हवा में काम नहीं करता है, वो हर चीज का प्लान बी प्लान सी प्लान डी तैयार रखता है कि ये नहीं हुआ तो क्या किया जाएगा, ये नहीं हुआ तो क्या किया जाएगा। इसरो के सारे प्लान बी सी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों 5 अगस्त एक महत्वपूर्ण तारीख है, क्यों? क्योंकि लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कराया जाएगा इस तारीख को। लूनर ऑर्बिट इंसर्शन क्या होता है हमने आपको लास्ट वीडियो बताया था, फिर से बता देते हैं। लूनर यानी कि चंद्रमा, ऑर्बिट यानी कि उस ग्रह या उपग्रह या फिर उस सेलेस्टियल बॉडीज के आसपास एक अदृश्य लाइन होती है जिसके अंदर एक सैटेलाइट या फिर एक ऑर्बिटर घूम रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। जिस प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रखी है, इसरो का प्रोपल्शन मॉड्यूल भी यही करेगा और उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संपर्क बनाएगा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ। अब हमारे पास 2 ऐसे कम्युनिकेशन लिंक हो गए हैं, 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गई हैं, और ये इस एडवांस मेथड पे काम करेगा। इतने एडवांस इक्विपमेंट लगे हैं इसके अंदर ऑर्बिटर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 का सफल होना अब बहुत आसान लग रहा है। लेकिन दोस्तों वही वाली बात, हवा में कुछ नहीं करता इसरो, चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर 0.01% का भी चांस फेल होने का तो उसका भी प्लान भी तैयार रखना होता है। दोस्तों संपर्क बनाने के बाद जो उसमें एडवांस इक्विपमेंट मौजूद है हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में, जैसे कि क्लास क्या होता है, CLASS, यानी कि चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये बहुत मदद करने वाला है डिटेक्शन में कि विक्रम लैंडर कहाँ लैंड करेगा। चंद्रयान 2 को ऑर्बिटर टेरेन मैपिंग में भी मदद करेगा चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की। टेरेन मैपिंग क्या होता है दोस्तों? टेरेन मैपिंग का मतलब होता है कि चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो अलग हो जाएगा, और 23 से 24 अगस्त को उसका विक्रम लैंडर जो है चंद्रमा के ऊपर लैंड करने की पूरी कोशिश करेगा, और सारे भारतीय को उम्मीद है कि सफलतापूर्वक हो जाएगा। मगर वो विक्रम लैंडर किस जगह पे लैंड होगा, नीचे की सतह कैसी होगी, धूल कितनी होगी, क्रेटर्स तो नहीं होंगे, माउंटेन तो नहीं होंगे, खुरदरा तो नहीं होगा, नीचे पत्थर तो नहीं होंगे, क्या उसके लेग्स ठीक तरीके से प्लेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये होता है टेरेन मैपिंग के अंदर। इन सबको एनालाइज करना और इनके रिजल्ट सामने लेके आना और उसकी मदद करना, उसको सही रास्ता और सही जगह बताना लैंड करेंगे, दिस इज टेरेन मैपिंग। इतने सालों से दोस्तों चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चक्कर लगाया जा रहा है चंद्रमा की, कहते हैं लगभग 10,000 चक्कर लगा चुका है वो चंद्रमा के, और लाखों इमेजेस खींच चुका है। दोस्तों इसरो ने ऐसी लिमिट सेट कर दी है अपनी कि भारत जो है सुपर शक्ति बनने से रुक नहीं सकता, स्पेस की सुपर शक्ति बहुत जल्द बन जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी
चाइना एकमात्र ऐसा देश है, कड़वा सच है, चाइना एकमात्र देश है जिसने जनवरी 2019 के अंदर चांद E4 नाम के अपने यान के जरिए पहली बार फार साइड ऑफ द मून पे लैंड कर दिया था। तब हैरान रह गए थे, लेकिन चाइना जो है कॉपिंग एट चाइना, वो धीरे धीरे चुपके चुपके अपनी चीजें करता रहा, उसने कर दिया। लेकिन दोस्तों उसने इतनी जल्दी कैसे कर दिया आपको बताते हैं। दोस्तों फार साइड पे ना रेडियो सिग्नल नहीं आते हैं, वो बहुत ही अलग जगह है, वहां पे सिग्नल पहुंचाना लाना बहुत मुश्किल होता है। अब दोस्तों चाइना ने ये कैसे कर लिया, चाइना ने कोई बड़ी तोप नहीं चलाई है, एक्चुअली चाइना ने अपने पैसे का जोर लगा और कुछ नहीं। विवाद अभी भी हमारे पास सबसे ज्यादा है, यानी कि भारत के इसरो के पास सबसे ज्यादा है। अब आप मैं या क्यों कह रहा हूँ, आप लोग कहेंगे कि चाइना की निंदा कर रहा हूँ, बट दोस्तों हम भारतीय, हमें भारत के साथ रहना है। और इसलिए नहीं क्योंकि भारत के साइंटिस्ट सच में बहुत मेहनत और बहुत इंटेलिजेंट है। आपको मैं समझाता, चाइना ने पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्थापित कर ली मून के अराउंड, जो कि 80-85% जो है रॉकेट फ्यूल इंजन में मेन खर्चा होता है कभी भी कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है, लेकिन हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने सैटेलाइट को अलग से लॉन्च किया, जो कि उसका ऑर्बिटर था चंद्रमा के आसपास घूमने की, और अपने लैंडर को अलग से लॉन्च किया दो बार। हम दो बार नहीं कर सकते, हमने एक ही बार में, यानी कि 600-625 करोड़ जो हमारा बजट है, हमने उसके अंदर ही विक्रम लैंडर भी रखा, हमने रोवर भी रखा, हमने ऑर्बिटर यानी कि हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है इस बार ऑर्बिटर की जगह वो भी रखा, हमने तीनों को एक साथ लॉन्च किया, हमने पैसे बचा लिए। चाइना ने क्या किया, दो हिस्सों में किया। उसने कई सालों पहले ही ऑर्बिटर लॉन्च कर दिया था और हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उसने कई सालों तक तो उसकी चक्कर लगाया चंद्रमा के, और सारी जानकारी हासिल की, उसके बाद अपने लैंडर को भेजा। अब दोस्तों हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन चंद्रयान टू के अंदर हमारा ऑर्बिटर ऑलरेडी चक्कर लगा रहा है, तो हमारे पास लाखों इमेजेस और जानकारी ऑलरेडी मौजूद है, हमें पहले से सैटेलाइट नहीं भेजनी पड़ी इनकी तरफ। अब हमने 600 करोड़ के बजट में 500 करोड़ जो था ना लॉन्चिंग में ही लगाया है चंद्रयान 3 के, और बाकी जो है मिशन पे लगाया, यानी कि AI के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, हमारे कैमरास के ऊपर, या फिर जो भी इक्विपमेंट ऊपर भेजे गए हैं। दोस्तों अगर 23-24 अगस्त को वो लैंड नहीं हो पाया तो प्लान बी सी जो इसरो ने अपने पास रखा है वो ये है कि वो फिर चंद्रयान 3 जो है ना प्रोपल्शन मॉड्यूल से हमारा विक्रम लैंडर अलग नहीं होगा। 23-24 को अगर लैंड नहीं हो पाए किसी भी कारणवश, चाहे मून की वो स्पेसिफिक जगह नहीं पकड़ पाए या फिर टेरेन मैपिंग नहीं हो पाई, तो 23-24 अगस्त को लैंड नहीं होगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग नहीं होंगे, तो वो प्रोपल्शन मॉड्यूल विद विक्रम लैंडर एक महीना फिर परिक्रमा लगाएगा चंद्रमा की, उसके बाद वो लैंड करेगा। और ऐसा क्यों है, ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि लूनर पे यानी कि चंद्रमा पे 14 दिन के लिए दिन होता है और 14 दिन वहां रात होती है, पृथ्वी की तरह नहीं होता वहां पे कि 12 घंटे का दिन है 12 घंटे की रात है, वहां 24 दिनों तक अंधेरा रहेगा, 24 दिनों तक उजाला रहेगा। और हमें यानी विक्रम लैंडर को उजाले की सख्त जरूरत है क्योंकि सूर्य की रोशनी से ही वो चार्ज होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, काफी सारी नई जानकारी आपको मिली होगी, और जानकारी अभी तक ना रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, नॉलेज बांटने से बढ़ती है और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि आपके लिए हम नई नई जानकारी के साथ वीडियोस बनाते रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।